हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप नए फ़ोन में अपनी पुरानी जीमेल आईडी कैसे लॉगिन कर सकते हैं, कैसे अपना पुराना जीमेल अकाउंट को नए फ़ोन में ओपन कर सकते हैं। तो चलिए, आपका हम टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करते हैं, आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको करना क्या है, कैसे करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप जीमेल एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में सबसे पहले तो आप ओपन कर लेंगे। दोस्तों, यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो टेंशन मत लीजिए, हम आपको दिखाएंगे कि आपको क्या करना है ताकि आप जो है पासवर्ड भूल जाते हो फिर भी अपने आईडी को लॉगिन कर पाओ। तो चलिए, हम आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, आपको दिखाते हैं कि लॉगिन कैसे करना है। जैसे आप जीमेल ऐप ओपन करते हैं, यदि आपका नया फ़ोन है तो यहाँ पर आपके कोई भी जीमेल आईडी लॉगिन नहीं होगा। तो जैसे आप देख पाएंगे कि यहाँ पर यदि कोई जीमेल आईडी आपका लॉगिन नहीं होगा तो ऐड अकाउंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इस पर आ रहा ऐड अनादर अकाउंट का ऑप्शन, क्योंकि हमने दो ऑलरेडी मेल आईडी लॉगिन कर रखी है और एक पुरानी जीमेल आईडी, बहुत पुरानी हमारी, जब हमने पहली मेल आईडी बनाई थी उस मेल आईडी को लॉगिन करना चाहता हूँ और उसका पासवर्ड मैं भूल चुका हूँ, तो कैसे करूँगा, तो यही चीज़ आज आपको देखने को मिलेगा। जिनको पासवर्ड याद है तो वो तो बहुत सिंपल स्टेप में केवल एक क्लिक में लॉगिन कर जाएंगे, लेकिन जिनको पासवर्ड नहीं पता है एक्चुअल में उनको प्रॉब्लम होती है, दोनों लोगों को कवर कर दूंगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर ऐड अनादर अकाउंट पर बस आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप ऐड अनादर अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है जहां पर आपको गूगल लिख के आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना होता है। यहां पर इन्फॉर्मेशन चेक हो रहा है मोबाइल में, यदि आपने लॉक लगा रखा है लगाया है तो यहां पर आपको लॉक मांगेगा, अदरवाइज़ नहीं मांगेगा। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन गूगल चेक कर रहा है, यहाँ पर ईमेल अथवा फ़ोन मांग रहा है। तो आप पुरानी जीमेल आईडी डालिए, आपका जो पुराना जीमेल अकाउंट है, और उसके बाद आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप अपना पुराना जीमेल आईडी ही भूल गए हैं तो आप हमें कमेंट करिए, तो मैं किस तरह से आईडी पता करना होता है अपनी पुरानी मेल आईडी, जितनी भी आपके नाम से मेल आईडी बनी है आपके नंबर से, तो कैसे पता कर सकते हैं, मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, तो आप जो है देख लीजिएगा हमारे प्लेलिस्ट में, तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो हम बनाएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको यदि याद है तो अपना पुराना जीमेल अकाउंट यहाँ पर डालेंगे, चलिए हम डाल लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको करना क्या है। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमने अपना पुराना जीमेल अकाउंट को डाल लिया है, आप भी ऐसे ही डाल देंगे। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पे नेक्स्ट पर आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो वो पुराना जीमेल अकाउंट आपका आ चुका है, उसका पासवर्ड मांग रहा है। अब दोस्त, जिनको पासवर्ड पता है वो पासवर्ड डालेंगे और गूगल की टर्म एंड कंडीशन आएंगी तो उनको एक्सेप्ट करके वो आगे बढ़ जाएगा, और यहाँ पर आपका पासवर्ड मांग रहा है। तो हम यहाँ पर दिखाएंगे कि पासवर्ड डालकर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने कौन से स्टेप आते हैं और आप कौन सी गलती नहीं करनी है और किस तरह से आप लॉगिन करना है, किस तरह से ओपन करना है पुराने अकाउंट को। बट यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो दोस्तों, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर वीडियो मिल जाएगा कि यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो किस तरह से पासवर्ड को रिकवर करना होता है। यदि आपको अपनी आईडी पता है, पासवर्ड भूल गए तो किस तरह से अपनी जो है पासवर्ड को रिकवर करना होता है, पासवर्ड को जो है चेंज करना होता है, रीसेट करना होता है, फॉरगेट कैसे करेंगे, सारी प्रोसेस मैंने बताई है, आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, उस वीडियो को देखकर इन स्क्रीन में मिल जाएगा। अब दोस्तों, यदि आपको अपनी आईडी ही भूल जाता है, पुरानी आईडी आप खोलना चाहते हैं नए फोन में बट आईडी भूल जाता है, तो इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तब। तो दोस्तों, यहाँ पर चलिए हम अपना पासवर्ड डालते हैं और दिखाते हैं आगे करना क्या। यदि आपको मेल आईडी और पासवर्ड दोनों पता है और नए फोन में आप लॉगिन कर रहे हैं तो फिर क्या आगे प्रोसेस होती है, क्या करना होता है, तो बस आप वीडियो को देखते रहिए कंप्लीट। तो यहाँ पर हमने अपना पासवर्ड डाल दिया, जो इस मेल आईडी का हमारा पासवर्ड है, हम जस्ट नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आप जैसे ही नेक्स्ट करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने एक इस तरह से स्टेप आता है, टू स्टेप वेरिफिकेशन, आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन का यहाँ पे आ चुका है। यदि आपने इस मेल आईडी में यदि टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा रखा है तो यहाँ पे आपको इस फेज से गुजरना पड़ेगा। तो आपको एक कोड आएगा, जो भी नंबर आपने डाल रखा है, टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा रखा है, जिस भी नंबर आपने डाला है इस मेल आईडी में टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए, उसी नंबर पर आपको कोड आएगा। देख सकते हैं लास्ट में हमारा 17 है इस नंबर के, इसी नंबर पर हमारा कोड आएगा, ठीक है ना। यदि आपके पास बैकअप कोड है, इस मेल आईडी का बैकअप कोड यदि आपने लिख रखा है, उस बैकअप कोड को भी लिख के आप इंटर कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है इस नंबर पे हमें कोड आएगा, जैसे कि मैं देख सकते हैं आप यहाँ पे इस नंबर पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे एक वेरीफाई कर रहा है गूगल, हमें कोड भेजेगा उसी नंबर पे, उस कोड को डाल देंगे, आगे बढ़ जाएंगे हम, ठीक है। आप बस वीडियो को देखते जाइए, कोई भी मिस्टेक मत करिएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से आपके सामने स्टेप आ चुका है, इसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपके सामने यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन आती है गूगल की, उन्हें आपको आई एग्री करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है। आप जैसे ही आई एग्री पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं गूगल सर्विसेज की। अब दोस्त, यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं, ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा और क्या नेक्स्ट स्टेप आएगा बस देखते जाइए। यहाँ पर ये आईडी हमारी लॉगिन हो चुकी है, ओपन हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर प्रोफाइल में क्लिक करना होगा। यहाँ पर देख सकते हो वो आईडी आ चुकी है, इस पर आप क्लिक कर देंगे, देख सकते हैं ये आईडी खुल चुकी है हमारी, लॉगिन हो चुकी है हमारे फ़ोन में। अब दोस्त, यहाँ पर इसके सारे मैसेज शो कर रहे हैं। तो इस तरह से दोस्त आप जो है अपनी आईडी लॉगिन कर सकते हैं, अपने जीमेल आईडी लॉगिन कर सकते हैं। बाकी यदि आपको कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करिएगा, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूँगा। थैंक यू, चैनल विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।